प्रधानमंत्री मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंची सीना चीन को कब नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी पेंगोंग सो लेक इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जो लगभग 50 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है, उसे कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी गलवान घाटी समेत पेट्रोल पॉइंट 14 जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वहां से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी वाई जंक्शन टेपसांग प्लेन से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे, जहां 18 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है? इन सब बातों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये खाली हुई है सीट, और हमें ये विश्वास है पहले भी ये कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस जिस उम्मीदवार को उतारेगी वो विजयी होगा। पर जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मैलाफीडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया, और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार की का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले। कानून का मसौदा तैयार कर खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। सच्चाई ये है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की भाजपा जजपा सरकार युवा विरोधी है। हर रोज युवाओं के रोजगार को छीनने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कर्मचारियों के भत्ते छीनने, कर्मचारियों की प्रताड़ना करने, लगता है कि खट्टर साहब का एकमात्र यही ध्येय बन गया है। हमारी ये मांग है कि ये संघर्ष जारी रहेगा, और मैंने इन साथियों को ये आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन खट्टर सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कानून बनाकर अगर इस सरकार ने नहीं मानी मांग, तो हम इन सारे 1983 अध्यापकों को वापस रोजगार देंगे।